सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर कैसा रहा सार्थक का रिजल्ट? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज है 19 मार्च और जैसा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज फैम गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल में 9th और 11th क्लास का एनुअल रिजल्ट डे है, जिसमें हम लोग आज पेरेंट्स से स्टूडेंट्स से बातें करेंगे कि कैसा उनका रिजल्ट रहा है और साथ ही साथ हम लोग स्कूल के बारे से जुड़ी जानकारियाँ भी हम पेरेंट्स से लेंगे। नहीं है थोड़ा सा। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर कैसा रहा स्टूडेंट का रिजल्ट? सर बहुत बढ़िया रहा सर। सर कितने परसेंट बने हैं? 92% सेकंड रैंक लगी है सर। 92%, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। सर स्कूल के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? सर स्कूल हमारे एरिया में सबसे बढ़िया स्कूल यही है सर, हमारे मानने में सबसे बढ़िया। पढ़ाई में टीचर्स सर यहाँ के, यहाँ का पूरा सर सर जो है एनवायरनमेंट है सर, यहाँ के टीचर्स एक्टिविटीज पूरा स्पोर्ट्स सिस्टम बढ़िया है यहाँ पर का सर, गेम्स वगैरह। अच्छा सर एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि यदि स्कूल को आपको 10 में से मार्क्स देना है तो 10 में से आप कितने मार्क्स देना चाहेंगे? सर 10 में से 10 मार्क्स देते हैं सर इसको। 10 में से 10 मार्क्स सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बेटा अपने बारे में कुछ बताना चाहोगे, अपना नाम वगैरह? यस सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल, माय नेम इज अनुराग पटेल एंड आई स्टडी इन ग्रेड 11 कॉमर्स स्ट्रीम। टुडे एज यू नो दैट द रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 9th एंड 11th, आई गॉट 82% एंड 4th रैंक। थैंक यू सर। वेरी गुड, 4th रैंक बनी है आपकी और बहुत अच्छी रैंक है। स्कूल में एजुकेशन के बारे में सर आप कुछ बताना चाहेंगे, कैसा क्या है स्कूल की एजुकेशन वगैरह, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वगैरह कैसी स्कूल में हो रही है? अभी तक तो सर अच्छा लगा हमको जी, स्कूल भी अच्छा लगा, स्पोर्ट्स भी अच्छे हैं जी। मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का हो रहा है? अच्छा हो रहा है जी। अच्छा सर स्कूल को यदि आप ओवरऑल एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स एजुकेशन में अगर अपन 10 में से मार्क्स अगर आप देना चाहेंगे तो कितने मार्क्स देंगे सर? 10 नंबर ही देंगे साहब हम। 10 में से 10 मार्क्स सर? हाँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते मैडम। गुड मॉर्निंग दक्षिता, आपकी फर्स्ट रैंक है 9th क्लास में, कॉन्ग्रेचुलेशन। सर कैसा आप स्कूल के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? अच्छा अनुभव हो रहा है कि बच्चे अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं और इधर उधर नहीं जाते आते। सर हमें और फीडबैक आप कुछ देना चाहेंगे हमारे टीचरों के बारे में, हमारे मैनेजमेंट के बारे में? नहीं ठीक है, अच्छा चल रहा। दक्षिता फर्स्ट रैंक आई है 10th में, आपको और अच्छी मेहनत करना है। आप अपने टीचरों के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, सारे टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करते हैं, सारे टीचर बहुत अच्छे। सर अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 10 में से मतलब 10 में से कितना नंबर हमारी पूरे इसको देना चाहेंगे, मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ सारी चीज़ों में से, तो आप 10 में से कितना नंबर हमें देना चाहेंगे? 10 में से 10 ही देना चाहूँगा मैं, क्योंकि बच्चे अच्छे कार्य कर रहे हैं, टीचर भी अच्छा कर रहे हैं और व्यवहार अच्छा है, बोलने चालने का सब व्यवहार, किसी प्रकार का बच्चों के साथ भेदभाव नहीं है, गरीब अमीर सब बच्चे एक समान रहते हैं और सबके एक जैसे ही काम होता है। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग निधि। गुड मॉर्निंग सर। सर निधि 11th क्लास में टॉपर है, फर्स्ट रैंकर है, 91% इनके बने हुए हैं। आप हमारे स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं इस स्कूल के सारे संचालक और स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इतनी अच्छी पढ़ाई अभी तक जारी रखी है और आगे भी भविष्य में, मुझे ये है कि आगे भी भविष्य में ऐसी ही पढ़ाई जारी रखेंगे और मुझे गर्व है कि मेरी पोती जो है आज 11th में फर्स्ट रैंक पर आई है, उसके लिए मैं पूरे स्टाफ को और पूरे संचालक मंडल को फिर से पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। निधि आपका 91% बना है, आप अपने फ्यूचर को लेके मतलब आगे क्या करना चाहती हैं और स्कूल के बारे में अपने टीचर्स के बारे में क्या बोलना चाहती हैं? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल बहुत अच्छा है और मुझे यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है, यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती है, अच्छे अच्छे टीचर्स भी हैं यहाँ पे, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कराई जाती है एंड मुझे आगे जाके प्रोफेसर बनना है। देन हमारे प्रिंसिपल सर जो कि मतलब एक्टिविटीज़ के थ्रू भी छोटे बच्चे से लेके बड़ी क्लास तक कब बच्चे फर्स्ट रैंक में आ जाते हैं, इतना अच्छे से वो मतलब एजुकेशन पे ध्यान देते हैं। आप सर के बारे में कुछ? मैम सर का फीडबैक, मैम सर हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं और मैम गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग सर। बेटा अपने बारे में कुछ बताना चाहोगे? मेरा नाम मोहित आनंद मंडलोई जी, क्लास 11th बायोलॉजी। और कैसा रहा बेटा रिजल्ट आपका? ठीक रहा। कितना परसेंट रहा आपका? 86%। ठीक है, इससे बहुत अच्छा है। चलो ठीक है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे स्कूल के बारे में? नहीं ठीक है सर, अच्छा पढ़ाने कहीं दिक्कत नहीं, आगे सुधार करेगा भी सही अगर और ज़्यादा जी। और ओवरऑल जो भी जितना भी एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स एजुकेशन जितना भी आपके सामने जो भी स्कूल्स में चल रहा है उससे कुल मिला के आप थोड़ा सेटिस्फाइड हैं सर? सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि मेरा क्या है बालक है और बालिका दोनों यहीं पढ़ते हैं और दोनों अच्छे पढ़ रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं। स्कूल वाले भी ध्यान दे रहे हैं जी, ऐसा कुछ नहीं है कि। और हर चीज़ में मेरे को मतलब रिपोर्ट भी मिल जाती है यहाँ से घर पे जी, क्या है क्या। ठीक है मोहित, 12th के लिए पहले से ही बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपको अच्छी मेहनत करें और अच्छा रिजल्ट लेके आए बेटा। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर अगर मैं पूछूं आपसे कि एक मार्किंग के तौर पे कि 10 में से आप स्कूल को कितना मार्क मतलब मार्किंग देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल 10 में से 10 मार्क ही देना चाहता हूँ, और मुझे मेरी नज़र में ये बहुत बढ़िया स्कूल लगा है। मैंने जब से बच्चों को इधर इसमें ज्वाइन किया है, मुझे इसके बराबरी में अभी दूर तक कोई स्कूल देखने में नहीं आया है। और यहाँ का पूरा स्टाफ का व्यवहार, संचालकों का, प्रिंसिपल जी का व्यवहार, ये सारे व्यवहार मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं उनको 10th से मैं 10th मार्क देना ही चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते। तो रिजल्ट तो थोड़ा डाउन ही रहा वैसे, 75% जी। सर स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्कूल में अब क्या, अगर बच्चे मेहनत नहीं करेंगे तो स्कूल का तो बढ़िया है। नहीं वैसे 75% CBSE में काफ़ी अच्छा है, उसको CBSE के नज़रिए से अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छा है 75%। स्कूल के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे? कुछ फीडबैक आप हमारे स्कूल के बारे में देना चाहेंगे? नहीं फीडबैक क्या, अच्छा है स्कूल का अपना पढ़ाई वगैरह रिजल्ट वगैरह। सर अगर मैं आपसे पूछूं कि स्कूल को अगर हम नंबर दें 10 में से, तो 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? अब हम क्या देना चाहेंगे? फिर भी तो वैसे तो अभी तो स्कूल टॉप में चल रहा है अपना जी सर, पढ़ाई भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, मेहनत करते हैं आप लोग जी सर। तो दक्षिता आप 9th क्लास में टॉपर हैं सर, आप रहिए ना, आप आइए आप आइए। तो 10th क्लास में भी आपको टॉपर आना है ना? तो इसके लिए आपका क्या रोड मैप है, क्या प्लानिंग है आपकी, बताओ। सर कुछ नहीं, बस अभी पढ़ना है, अप्रैल में स्कूल लगेंगे तो अच्छे से मतलब मेहनत करनी है और उसके बाद। अच्छा एक काम, माइक आपके पास से रखो, ये बताओ कि जैसे 9th में आपने टॉपर आए तो आपने कुछ तो तरीका अपनाया होगा कि भाई तैयारी करने में, पढ़ाई में आपको ज़्यादा नंबर क्यों आए? जैसे आपकी क्लास में 30-40 बच्चे और भी हैं, थोड़ा माइक पास में को जोर से बोलो। सर टीचर्स जो समझाते हैं वो समझना है, घर जाके पढ़ना है, नोट्स मेकिंग वगैरह। टीचर तो सबको पढ़ाते हैं, अब इसमें दो बच्चे फेल भी हो गए फिर क्या करेंगे? तो सर कहीं ना कहीं उन्होंने घर जाके पढ़ाई नहीं होगा, घर पे जाके पढ़ाई नहीं करी, पहली चीज हो गई कि घर पे जाकर के पढ़ाई करना है। दूसरी चीज और क्या, एग्जाम के टाइम पे क्या तैयारी की थी आपने? यस सर। कॉपी बनाई थी आपने? यस सर। नोट्स बनाए आपने? यस सर। लिख लिख के याद किया आपने? यस। एग्जाम को लेकर स्पेशल कोई प्रिपरेशन किया आपने कि क्या सिलेबस आना है, क्या कौन से प्रश्न आना है, ये देखा था आपने? यस सर। यही सब आपको 10th में भी करना है, ठीक है? यस सर। शुरुआत से करना है और आपको टॉपर आना है, ठीक? यस सर। 10th में टॉपर आना पूरे मध्य प्रदेश में। यस सर। पक्का? यस सर। चलो भाई बात रिकॉर्ड कर लेना, प्रॉमिस हो। आपने बोला कि आप जो है प्रोफेसर बनना चाहती हैं, तो आपका रोड मैप क्या होगा, मतलब कैसे प्रोफेसर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताओ। सर पहले तो प्रोफेसर से पहले तो टीचर्स का वो। पहले टीचर बनेंगे फिर प्रोफेसर बनेंगे। अच्छा वैसे प्रोफेसर बनने के लिए मिनिमम कितनी पढ़ाई करना पड़ती है, मतलब ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री कहाँ तक पढ़ना पड़ता है? सर मास्टर डिग्री। हाँ मिनिमम मास्टर डिग्री, ठीक है। उसके अलावा और क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ आइडिया है आपको इस बारे में? सर नो। मैं दूँ? अच्छा ठीक है। आपको प्रोफेसर बनने के लिए UGC के थ्रू जो एग्ज़ाम होती है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगी नेट, और नेट एक क्वालिफाई करने के बाद आप प्रोफेसर बन सकते हैं। यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको, आपको आइडिया है टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? सर डीएड बीएड।
डीएड बीएड करना पड़ता है। मिनिमम पहले आपको यदि आप सिक्स टीजीटी बनना चाहते हैं तो आपको बीएड करना होता है, साथ में जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। और यदि आप पीजीटी लेवल पे पढ़ाना चाहते हैं, इलेवन ट्वेल्थ पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए। और प्रोफेसर बनना है तो मैंने बताया सी नेट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगी, है ना। तो पहले तो आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप जो है ग्रेजुएशन करें और मास्टर डिग्री हासिल करें। और मेरे शुभकामनाएँ हैं आपके साथ में, और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आप IIM या श्रीराम कॉलेज ऐसी जगह से आप मास्टर डिग्री करें। कोशिश करेंगे आप? सर थैंक यू सर, कोशिश करेंगे। यस सर करूँगा। चलो ठीक, थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर कैसा रहा रिजल्ट विवेक का? अच्छा रहा सर। अच्छा, विवेक जो है स्पोर्ट्स वगैरह या एक्टिविटीज़ वगैरह के बारे में भी आप कुछ बोलना चाहेंगे? विवेक कैसा क्या कर रहा है? सर स्पोर्ट्स में विवेक का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है जी, और स्पोर्ट्स बहुत अच्छा करता है। अच्छा, आपको लगता है कि मतलब जैसे जो विवेक जो है स्पोर्ट्स में अच्छा नाम कर रहा है, उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया अपने फेम गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल ने? हाँ बिल्कुल सर, अच्छा नाम कर रहा है स्पोर्ट्स में, अभी नेशनल खेल के आया वो और आगे भी मतलब उसका पूरा यही है कि आगे बहुत अच्छा खेलेगा। बिल्कुल सर, हमारी तरफ से गुरुकुल की तरफ से बिल्कुल शुभकामना है विवेक को, और साथ साथ में फुल सपोर्ट भी है कि वो नेशनल और नेशनल लेवल का प्लेयर ही बने। अच्छा दूसरी बात सर, कि अगर स्कूल को एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स या एजुकेशन के बारे में अगर आप नंबर देना चाहें तो आप 10 में से कितने नंबर देंगे सर? 10 में सर 10 नंबर ही देंगे। 10 में से 10 नंबर सर? बिल्कुल। ठीक सर, थैंक यू सो मच सर।